तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो एमिरेट्स D10 टूर्नामेंट है, इसका भाई जो आज के दिन का थर्ड मैच और टूर्नामेंट की बात करें तो मैच नंबर 23 जो कि खेला जाएगा एमिरेट्स रेड वर्सेज एमिरेट्स ब्लू के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देख लेना है, और अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो इजीली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग करने वाले हो। तो वीडियो अगर देखने आए हो ना तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। अगर आप इस मैच में थोड़ा बहुत भी सीरियसली इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है। एक एक प्लेयर के बारे में यहां पर बात करेंगे, वेन्यू रिकॉर्ड्स की, टीम परफॉर्मेंस की, पिच रिपोर्ट की, सारी चीजें बताऊंगा, और लास्ट में आपको स्मॉल लीग की टीम भी बना के दिखाऊंगा। लेकिन जो कुछ लॉजिकल रिस्क है ना वो आपको लेने आने चाहिए, वो कैसे लेने वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए, बाकी सारा काम आपका भाई आपके लिए कर देगा। बात करें अगर मैच की टाइमिंग की तो आप देख सकते हो भाई मैच खेला जाएगा 9 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, अब से लगभग 2 घंटे या 2 घंटे 10 मिनट बाद खेला जाएगा। अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो आप देख सकते हो बैलेंस विकेट है बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए, लेकिन जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रही है उनको भाई पिच थोड़ा सा फेवर कर रही है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी उसके बैट्समैन के फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा है, प्लस जो भी टीम पहली इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके बॉलर्स के विकेट निकालने के चांसेस ज्यादा है। इसी हिसाब से आप टीम बनाइएगा, और जो टॉस की अपडेट होगी, क्या बैटिंग ऑर्डर रहेगा, क्या प्लेइंग 11 रहेगी, वो सारी चीजें जैसे ही टॉस की अपडेट होगी या लाइनअप अनाउंस होगी तुरंत मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दोनों जगह मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो। लेकिन सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन और वीडियो के फर्स्ट कमेंट वाले लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है, तभी आप विनिंग कर पाओगे। अब अगर बात करें वेन्यू रिकॉर्ड्स की तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखे, उससे पहले भाई यहाँ पर वेदर की बात करते हैं, वेदर यहाँ पर क्लियर रहेगा। वही अगर बात करें एवरेज स्कोर की तो 100 से 120 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। बात करें अगर यहाँ पर वेन्यू रिकॉर्ड्स की तो वो अब आप यहाँ पर देखिए। अगर बात करें भाई टोटल मैच की तो 20 मैच खेले जा चुके, सिर्फ 5 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किए, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ पर 15 मैच विन किए। तो यहाँ पर आपको क्लियर फेवरेट दिखेगी बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, तो इसी हिसाब से आपको टीम बनानी है। टॉस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो भी भाई टॉस की अपडेट आएगी ना वो जैसे ही टॉस होता है तुरंत मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल भी मिस मत करना। बात करते हैं दोनों टीम्स की यहाँ पर भाई परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर एमिरेट्स रेड की बात करें तो आप देख सकते हो इन्होंने टोटल 6 मैच खेले, 6 मैच में से 4 मैच जीत के अच्छी पोजिशन में है। वहीं अगर आप देखोगे एमिरेट्स ब्लू को, इन्होंने भाई स्टार्ट ही काफ़ी लेट किया है, 2 मैच सिर्फ लास्ट के जीते, उससे पहले लगातार भाई 4 मैच ये हार के आए हैं। अब अगर बात करें एमिरेट्स रेड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस भाई पर प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म की, तो वो भी आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले भाई यहां पर आपको दिखेंगे आहान फर्नांडिस, इनकी अगर बात करें तो 2 रन 13 रन 23 4 24 ठीक ठाक प्लेयर है। अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो मस्ट ऑफ रहेगा, फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो ट्राई भी कर सकते हो, ड्रॉप करने का रिस्क ले सको तो ड्रॉप भी कर सकते हो। उजैर हैदर आपके लिए मस्ट ऑफ रहेगा, क्यों, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करवा रहा है। यहां पर 10 रन 0 विकेट, यहां पर 21 रन 1 विकेट, यहां पर 2 रन DNB, यहां पर 50 रन 0 विकेट, यहां पर 12 रन 1 विकेट, यानी कि इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ऑलमोस्ट हर मैच में बॉलिंग करवा रहा है, तो मेरे हिसाब से मस्ट टॉपिक रहेगा। सेम मोहम्मद इरफान लगातार बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, आप देख सकते हो यहां पर अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आते हैं यहां पर एमिरेट्स रेड की तो मोहम्मद इरफान को आप CVC कैंडिडेट में भी रख सकते हो। अब अगर यहां से बात करें इनकी परफॉर्मेंस की तो 19 रन 2 विकेट 4 रन 1 विकेट 16 रन DNB, यहां पर अगर आप देखोगे 29 रन प्लस 0 विकेट, यहां पर 6 रन DNB, यानी कि 3 मैच में बॉलिंग करवाई और 3 मैच में 3 विकेट भी इन्होंने निकाले हैं टोटल। अब अगर बात करें मोहम्मद शहादत की तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटिंग ऑर्डर अब इनका थोड़ा सा ऊपर इंप्रूव हुआ है, अदरवाइज काफी नीचे आ रहे थे। यहाँ पर आप देखिए बैटिंग पर्पज से आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेगा, 5 मैच में से 4 मैच में डबल डिजिट स्कोर है, लेकिन बॉलिंग में अभी तक कुछ खास नहीं किया और लगातार बॉलिंग मिल भी नहीं रही, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। फरहान बाबर टॉप ऑर्डर का प्लेयर है लेकिन पहला ही मैच खेला था इस सीजन का, वहीं अगर बात करें तो कुछ खास नहीं कर पाया। अगर टीम इन्हें ऊपर प्रमोट
करती है जो कि करना चाहिए, तो ये आपके लिए जीएल मिनी जीएल में काफ़ी तगड़ी डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं। उमेर दोगर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर उमेर दोगर की तरफ आप चलोगे तो आप देख सकते हो 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाली है जीएल मिनी जीएल में, ट्राई कीजिएगा। साना उनक बट्टी प्लेयर अच्छा है लेकिन काफ़ी नीचे खेल रहे हैं, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। क्लिंटन बर्कन शाह की बात करें, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए 13 रन 1 विकेट, 27 रन 2 विकेट, 23 रन 0 विकेट, यहाँ पर बैटिंग आई नहीं 1 विकेट, यहाँ पर फिर से 2 विकेट। अगर आप इनकी बॉलिंग भी देखोगे ना तो आपको क्लियर दिखेगा 5 मैच में 6 विकेट निकाल रखे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अक्षर पुथन वितिल की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन बैटिंग काफ़ी नीचे कर रहा है प्लस बॉलिंग टीम इनसे करवा नहीं रही है, तो अगर ये खेलता है ना तो सिर्फ जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर टीम ने बॉलिंग करवा ली ना तो भाई आपके लिए जीएल में कैप्टनसी का भी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन भाई लगातार बॉलिंग नहीं करवा रही टीम इनसे और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। मोहम्मद आसिफ की बात करें, यहाँ पर आप देखिए 2 मैच में ही विकेट निकाली है, 3 मैच में बॉलिंग किया, और यहाँ पर आप देखिए 3 मैच में बॉलिंग किया उनमें टोटल 6 विकेट निकाल चुका है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा। अम्मार बदामी की बात करें तो आप देख सकते हो 5 मैच में 4 विकेट है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज रिस्क भी यहाँ से लिया जा सकता है इनके ऊपर। एमिरेट्स ब्लू की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, अलीशान सराफू। सबसे पहले भाई इनकी बात करेंगे, 14 रन 0 विकेट 59 रन 0 विकेट, यहाँ पर भी 0 विकेट, यहाँ पर 1 मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाली है, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस आप देखिए काफ़ी अच्छी कर रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन सीवीसी भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। जोहर फारिद की बात करें, लास्ट 2 मैच से ओपन 6 रन 1 विकेट, यहाँ पर 19 रन 0 विकेट, उससे पहले यहाँ पर बॉलिंग लगातार करवा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर 33 रन की नो खेली थी लेकिन ये मिडिल ऑर्डर में खेली थी, अब ओपन कर रहा है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अश्वंत वलथापा यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक ठाक प्लेयर है, चाहो तो बैक कर सकते हो। फहद नवाज काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। सेम चीज़ अंश टंडन के ऊपर लागू होती है। तनिष सूरी की बात करें तो सिर्फ इस मैच में, इन जो लास्ट मैच था इसमें इनको बैटिंग करने का मौका मिला, बाकी जीएल मिनी जीएल में ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर्यन सक्सेना भाई, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीज़ों में भाई टीम इनके साथ मतलब सही नहीं कर रही है, या तो बॉलिंग तो करवा ही नहीं रही और बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा नीचे करवा रही, तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। आदित्य शेट्टी की बात करें तो भाई 2 ही मैच में विकेट निकाले, लेकिन 5 मैच का अगर देखोगे लास्ट 5 मैच का तो 5 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। हर्ष देसाई की बात करें, इन्हें भी आप बैक कर सकते हो, लास्ट मैच में 2 विकेट है। वहीं अगर भाई यहाँ पर बात करें हरित शेट्टी की, तो 1 और 2 विकेट इन्होंने निकाले, और आकाशा ताहिर ने भी 2 ही विकेट निकाले लास्ट 5 मैच में, जीएल मिनी जीएल में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। अब अगर बात करें भाई, देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया, एक एक प्लेयर बता दिया, जो लास्ट मैच में इनका बैटिंग ऑर्डर रहा था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर स्टैट्स लिखे हुए हैं, तो आप जो ये बैटिंग ऑर्डर देख रहे हो ना ऑलमोस्ट यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा। 1-2 प्लेयर जैसे फरहान बाबर ऊपर चला गया, यहाँ से भाई मोहम्मद शहादत को फिर से नीचे भेज दिया, साना उलक बट्टी अपने आप को प्रमोट करके ऊपर आ गए, ये 1-2 चेंजेज यहाँ पर हो सकते हैं। बाकी जो फाइनल टीम है दोस्त वो टेलीग्राम पर आपको दे दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें टीम की, तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको जो टीम बना के दूंगा ना उसे आप एज ए डेमो टीम ले सकते हो, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में अश्वंत वलथापा को लूंगा, बाकी अगर आप चाहो तो भाई इन्हें जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो, स्पेशली साना उलक बट्टी को। वही अगर बात करें भाई बैटिंग सेक्शन में, अलीशान सराफू मस्ट पिक रहेगा, फरहान बाबर को ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर आप नीचे देखोगे तो अहान फर्नांडिस मस्ट पिक रहेगा, और मोहम्मद इरफान को मैं यहाँ से बैक करूंगा। अगर चाहो तो अमार बदामी को भी अपनी टीम में रख सकते हो, फरहान बाबर काफी नीचे खेल रहा है, आर्यन सक्सेना काफी नीचे खेल रहा है, तो इन्हें जीएल मिनी जीएल में ट्राई करेंगे। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ से सी बरकनशाह इंपॉर्टेंट रहेगा, आदित्य सेठी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस हर्ष देसाई को ट्राई कर सकते हो, मोहम्मद शहादत को आप ट्राई कर सकते हो, और इसके अलावा जो उजैर हैदर है और यहाँ से जवाहर फरीद, ये दोनों मेरी टीम में मस्ट पिक रहेंगे। बात करें अगर बॉलिंग सेक्शन की, तो मोहम्मद आसिफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, या तो विकेट निकाल नहीं रहा और विकेट निकाल रहा तो गजब विकेट निकाल रहा, तो इसीलिए मेरी टीम में मस्ट पिक रहेगा यहाँ से। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आप आकाशा ताहिर को अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक ठाक प्लेयर है, फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती है एमिरेट्स ब्लू की तो ये आपके लिए मस्ट पिक हो जाएगा, अदरवाइज भाई आप इसे ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो। एच सेट्टी की बात करेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर भाई ईएमबी की पहले बॉलिंग आती है तो यहाँ पर आप आकाशा ताहिर और एच सेट्टी दोनों को अपनी टीम में बैक कर सकते हो। सीबीसी की बात करें तो कैप्टनसी में
मैं क्लिंटन बर्कनशाह को दूंगा, वीसी की बात करें तो मोहम्मद इरफान को मैं अपनी टीम में वीसी दूंगा, या फिर यहाँ से उजैर हैदर को भी मैं वीसी दे सकता हूँ। सेफ अगर आपको जाना है तो भाई यहाँ से आप अपनी टीम में अलीशान सराफू को वीसी दीजिएगा, और फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आदित्य सेठी या फिर भाई यहाँ से उजैर हैदर या जवाहर फारिद की जगह पर आप अक्षर पुथानविथिल को भी अपनी टीम में ले सकते हो, हालांकि अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो मेरी टीम आपके सामने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल है, कोई भी अगर चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट होती है तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिलेगी। अभी के लिए आप इस टीम को सेव करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।